जेपी जी जो वोट देकर के आए हैं इस वक्त में अपना फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो इंक दिखा रहे हैं। सर आज वोट देकर के आप आए हैं, किन मुद्दों के साथ उतरे थे और क्या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन लग रही है? मैं तो ऊपर वाले से दुआ करी है कि ये जो तानाशाह रवैया है सरकार का, सरकार चली जाए जितनी जल्दी हो। इन्होंने खून चूसा है लोगों का, जो हमारा टाउन था वो छीना है इन्होंने, लोगों को तंग किया, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करी। जो बुनियादी काम रोटी और रोजगार था उसके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं करा। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और कहूँ तो शाहजहानी जामा मस्जिद का, पुरानी दिल्ली का यही तहजीब और तमद्दुन है। यहाँ इस वक्त आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल, और इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त में इंडिया अलायंस के, गठबंधन के समर्थक हैं। खुले तौर पर मुद्दों की बात करने वाले इन तमाम लोगों ने अपना मत अधिकार जो इस वक्त में किया है, वोटिंग राइट अपना, यानी पूरे हकाइक का इस्तेमाल करते हुए वोट दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक, यानी कि इस वक्त में जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, तकरीबन 10 से 10:30 बजे का वक्त है और लोग जो हैं वो घरों में से अब निकलने शुरू हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो लोगों के अंदर जोश, वलवला और जज्बा है वो देखते ही बनता है, क्योंकि ये जो पर्व है जाहिर सी बात है इसको कोई मिस करना नहीं चाहता। जयप्रकाश अग्रवाल जी इस वक्त चाय की चुस्की साथ में बहुत जॉली मूड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सर आज वोट देकर के आप आए हैं, किन मुद्दों के साथ उतरे थे और क्या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन लग रही है? मैं तो ऊपर वाले से दुआ करी है कि ये जो तानाशाह रवैया है सरकार का, सरकार चली जाए जितनी जल्दी हो। इन्होंने खून चूसा है लोगों का, जो हमारा टाउन था वो छीना है इन्होंने, लोगों को तंग किया, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करी। जो बुनियादी काम रोटी और रोजगार था उसके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं करा। जयप्रकाश जी 5 मरतबा आपको जनता ने सर माथे रखा, आपको इसी तरह से आवाम ने हमेशा से प्यार दिया, और मैं कहूँ तो जितने भी इस चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ने वाले इलाके हैं, जो भी कुछ संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक में आते हैं, इन लोगों ने हमेशा सर माथे रखा। क्या आपको उम्मीदें नज़र आ रही हैं उस वक्त में कि जब आप पहले सांसद थे और आज की जब आप कंटेस्ट कर रहे हैं? लोग पसंद करते हैं एक ऐसी सरकार जो रहमदिलों उनके लिए, ऐसी सरकार पसंद करते हैं जो उनकी रोटी और कपड़ा और मकान और माशरे को सही रखें। और जो ये अलायंस हमारा इंडिया अलायंस बना है आप पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में, लोग इस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं कि हम वो काम करेंगे बुनियादी जो लोग चाहते हैं, और शांति बना के रखेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। लेकिन मोदी जी आपको नहीं लगता कि इस वक्त पूरे देश के इस वक्त गठबंधन से कुछ बौखला से गए हैं, या जो कुछ वो कह रहे हैं मुसलमान और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं? तानाशाह हमेशा घबराता है, वो छोटी से छोटी चीज़ से भी घबराता है, एक परिंदा भी पर मार के उड़ना चाहता है उससे भी घबराता है, ये आ गया मेरी तरफ, ये मारेगा मुझे, वो हाल उनका हो रहा है आज। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, कोई मकसद नहीं था, तो अब परेशान है। पूरे चुनाव में कोई बहस आपने मुद्दे पे देखी? एक भी बहस मुद्दे पे नहीं है। इन्होंने बच्चों का भविष्य छीन, क्या वजह है मुद्दों पे बहस नज़र नहीं आई? क्योंकि है नहीं इनके पास। क्या सफाई देंगे महंगाई की, क्या सफाई देंगे बेरोजगारी की, क्या सफाई देंगे जो सारे गवर्नमेंट संस्थान बेच दिए जहाँ से सरकारी नौकरी निकलती है, क्या सफाई देंगे? 200 लाख करोड़ रुपए और देश पे कर्जा चढ़ा दिया, क्या सफाई देंगे? मणिपुर में जो हाल कराया, क्या सफाई देंगे? जो किसानों को 800 किसान मर गए, कोई जू रहेंगी, क्या सफाई देंगे उसके ऊपर? कोरोना में लाखों आदमी मर गए, क्या सफाई देंगे उसके ऊपर? कहीं सरकार दिखी? यहीं दिल्ली में 6 महीने हमारी बच्चियाँ रेसलर जो थीं वो धरना प्रदर्शन किया यौन शोषण के खिलाफ, और उसी के लड़के को टिकट दे दिया बीजेपी ने। वो कहते हैं परवाह नहीं करते, तुम भाड़ में जाओ। तो आपको लग रहा है कि अब पूरी देश की जनता ने ये मन बना लिया कि इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में अब उतर ले उबाल
उबाल है, लोग खिलाफ हैं इस सरकार के। आज आप 7 बजे आखिरी सवाल है, 7 बजे वोट करने पहुंच गए और मैं कहता हूं कि अब पहला दूसरा ही वोट आपका था तो चांदनी चौक में आपके अपने ही पुश्तैनी मकान उसी घर के पास में वोट डालने के लिए आप गए, लोगों से भी अपील और आपका अपना तजुर्बा। मेरा बचपन बीता है वहाँ और आज उस परिवार से हमने 20वां लोकसभा का चुनाव, 20वां चुनाव का पर्चा उसी मकान से भरा है। एक ही मकान से 20 नॉमिनेशन भरे गए, 8 पिताजी के, मेरा एक कॉरपोरेशन का, एक राज्यसभा का और 10वां ये लोकसभा का। ये इतिहास हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। और ये जनता, जनता तो हमेशा मेरे साथ रही है, मैं इनके साथ रहा हूँ, इनके दुख सुख का साथी हूँ, तभी तो इतने आराम से बैठा हूँ यहाँ सबके बीच में। आपने कहीं मेरे साथ कोई आपने बाउंसर बॉडीगार्ड को देखा? एक आदमी भी नहीं रखता मैं अपने साथ, अकेला भी इनके स्कूटर पे गुलफाम के घूम रहा था मैं। ऐसे रहते हैं, यही माशरा है हमारा। रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी कि आपने अपना वक्त दिया। कुल मिलाकर के जयप्रकाश अग्रवाल कह रहे हैं कि मुसलमान और मंगलसूत्र की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री इस वक्त में न मुद्दों की बात कर रहे हैं न महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों की और मंगलसूत्र की। आप लोग हमारे साथ जामा मस्जिद इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव पर आने आइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव पर आने आइए, फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है, भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ, जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला, लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले।